हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी की कार्य पत्रिका करेंगे। क्रम संख्या 112, जो कि 18 नवंबर की है, क्लास फर्स्ट की है। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम बड़े उ के बारे में जानेंगे। तो ये होता है हमारा, ये अक्षर जो होता है कुछ इस तरह से, जब उ में पूंछ बना दी जाती है तो ये हमारा बड़ा हु होता है। और बड़े उ की मात्रा इस तरह से होती है और छोटे ऊ की इस तरह से होती है। तो बच्चों, ये होते हैं हमारे छोटे बड़े ऊ और उसकी मात्रा। तो आइए इन्हें गतिविधियों द्वारा समझते हैं। बच्चों, हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं, आप इनके नाम पहचाने। ऊन, ऊन, इसमें जोर से ऊ की आवाज आती है। ऊद बिलाव, उद बिलाव। ऊंट, ऊपर इस तरह से निकलती है आवाज। तो आपने देखा इन सभी में ऊ की आवाज आ रही है, ऊ में जोर से आवाज आती है। तो आइए ऊ बनाना सीखते हैं। पहले आप इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर इस तरह से थ्री बनाएंगे, उसके बाद पीछे इस तरह से पूंछ बनाएंगे। तो हमारा जो बड़ा ऊ है वो तैयार हो जाएगा। अब आप एक चित्र देख सकते हैं, इसमें आपको बड़े ऊ की मात्रा दिखाई गई है। बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से बनती है, ये देख सकते हैं आप लोग ऐसे। तो आइए अब आगे चलते हैं। आगे अब हमें कहानी पढ़नी है ऊ की मात्रा की। मालू भालू। एक भालू था, उसका नाम मालू था। मालू खेतों से आलू और मूली चुरा कर खाता था। एक दिन मालू खेत में मूली खा रहा था कि तभी लालू किसान आ गया। लालू को देखकर मालू डर गया, वह जोर से उछला और दुम दबाकर भाग गया। मालू भागता गया और बहुत दूर तक भाग गया। लालू किसान पीछे बहुत दूर रह गया था। मालू एक ऊंचे चबूतरे पर रुका और उसने आराम से बैठकर मूली खाई। सूरज डूब रहा था। मालू भालू अपने घर आ गया। तो आप इस तरह से इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो ये नीले मात्रा के शब्द दिए गए हैं, भालू, मालू, आलू, मूली, लालू, दूर, चबूतरे, सूरज, डूब, ये सब आपके बड़े ऊ की मात्रा के शब्द हैं। आप इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो अब आगे चलते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा का अभ्यास करते हैं बनाने का। तो इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, फिर थ्री, फिर टेन, इसी तरह से अगला भी बनेगा ऐसे करके, इसी तरह से इसके अगला भी इस तरह से ही बनेगा और अगला भी इसी तरह से बनेगा। तो बच्चों, आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।